नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव 24 न्यूज़ से। अभी हाल ही में एक हत्याकांड हुआ है गोरखपुर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीष गुप्ता की, जो कि एक व्यावसायिक परिवार से आते थे, जिनका कि व्यवसाय था, और वो किसी घूमने के पर्पज से अपनी फैमिली के साथ गोरखपुर किसी होटल में रुके हुए थे। रात 12 बजे उस होटल पर रेड पड़ती है और अचानक पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई। पहले तो लोगों ने बताया कि उनकी मृत्यु गिरने की वजह से हुई है, और डीएम एसपी उनके घर जाके इस बात का दबाव भी बनाया कि एफआईआर ना लिखी जाए। ये वीडियो भी वायरल हुआ था। होटल मालिक ने इंटरव्यू में बताया, साथ ही साथ वहाँ का जो वर्कर था उसने भी इंटरव्यू में अलग से बताया कि आखिर घटना के दिन हुआ क्या था। उस दिन पुलिस आई थी किसी संदिग्ध को ढूंढने के लिए। कमरे में जब आईडी चेक की गई तो एक कमरे में तीन लोग रुके हुए थे, अलग अलग स्टेट के दिखाए गए थे। उनके कमरे में पहले गए और उसी कमरे में जब इन्होंने आपत्ति जताई कि आखिर किस बात की जांच कर रहे हैं, उन्होंने कुछ टॉन्ट कसा जिसपे कि पुलिस ने उल्टा उनको काफ़ी मारा पीटा। जी हाँ, मारा पीटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले पुलिस ने कहा था कि वो गिर गए हैं, लेकिन बाद में अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है तो उसमें चोट की घटना प्रूव हो चुकी है। तो उसके बाद तुरंत ही जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। साथ ही साथ जो परिवार है उनको 40 लाख का मुआवजा भी देने की बात की है और एक सरकारी नौकरी देने की भी बात की है। पर सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटना आखिर हुई क्या? क्या पुलिस को इतना अधिकार है कि किसी भी आम पब्लिक को इस तरह से मार दे केवल शक के बिना पे? तो ये क्या उनको इस पे सज़ा मिलेगी कि केवल सस्पेंशन कर दिया जाएगा या उनके ऊपर केस चलेगा 302 का, 10 साल, 12 साल, 15 साल, अंत में होगा वही जो होता आ रहा है, उनको बरी हो जाएंगे और जिसके घर का चिराग चला गया है उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, केवल पैसे से मुंह दबा दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसी घटना पहले भी होती आई है। गोलीकांड हुआ था, आपको याद होगा कि एक बंदे को जो है लखनऊ में मार दिया था पुलिस ने, उसके साथ भी यही हुआ। इसके बाद भी ऐसी कई घटना हुई जिसमें मुआवजा दे के केवल दबा दिया गया। जो घटना सोशल मीडिया पर या नेशनल मीडिया पर उड़ जाती है उसमें तो मुआवजा मिल जाता है, लेकिन ऐसी घटना रोज़ होती रहती है। गुंडे हो सकता है उनसे ट्रीट करना ज़्यादा सरल हो, लेकिन जो पुलिस है जब वही इस तरह की घटना करेगी तो फिर आखिर सुनवाई कौन करेगा? हमारी जो न्यायालय है वो सबूत मांगती है और सबूत पुलिस ही देती है, और पुलिस अगर सबूत मिटा दे तो क्या करेगी न्यायालय? आप खुद सोचिए। जनता को इंतज़ार रहेगा, जनता काफ़ी उबल रही है, काफ़ी इस पर वायरल हो रहे हैं वीडियो, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उस पुलिस को इसका अंजाम मिलना चाहिए, उनका सीधे सीधे उनको जेल होनी चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए, उनको फांसी तक होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको केवल सस्पेंड करके लाइन हाजिर करके छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उनको दोबारा ऐसा करने का मौका मिलता है। जिस पुलिस वाले ने घटना अंजाम दी है उसने उसी साल इस तरह की दो घटना और अंजाम दी थी, उसने दो लोग को और इस तरह से पीट पीट के मारा था जैसा कि लोगों ने बताया है वीडियो द्वारा। मैं आशुतोष श्रीवास्तव 24 न्यूज़ से, सत्यमेव जयते।